दोस्तों मेरे पास iPhone 6 है, इसमें iCloud है यानी कि एक्टिवेशन लॉक है। एक्टिवेशन लॉक को कैसे बाईपास करते हैं बिल्कुल फ्री में फ़ोन को जेलब्रेक करके, ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यह है आईफोन 6, इसका iOS वर्जन 12.5.6, नो जेलब्रेक, नो एक्टिवेशन, और उसके बाद आपको ये दो फाइल को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आना है यहाँ पे आपको दो फाइल मिलेगा, चैकरन 0.12.4 विंडो जिप फाइल और एक मिलेगा F3AR बिन रार। इन दोनों फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक न्यू विंडो ओपन होगा, उसके बाद आपको गो टू साइट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा फाइल है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको गो टू साइट के ऊपर फिर से क्लिक करना है, और ये डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, और ये मेगा का यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सेव कर लेना, ये वाला फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है चैकरन 0.12.4। फिर ओपन करना है, रिफ्यूज वाला फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है, यस कर देना है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, चाहे आपके पास 2 GB का पेन ड्राइव है, 4 GB का है, 8 GB का है, 32 GB का है, जो भी पेन ड्राइव है वो चलेगा, आपको अपने सिस्टम में लगा देना है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेन ड्राइव में जो भी डेटा रहेगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसे आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कि पेन ड्राइव को ये सेलेक्ट कर लेता है। मेरे पास सैंडिस्क का पेन ड्राइव है 32 GB का, ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ये वाला सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और अभी जो हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था डेस्कटॉप के ऊपर, उस लोकेशन में चले जाना है, और ये वाला फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और सिंपली यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और अभी हमारा बूटेबल बनना स्टार्ट हो चुका है। फाइनली हमारा बूटेबल बन चुका है, इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो भी बूट की है उसको आपको प्रेस करना है। मेरा बूट की F12 है, आपका F2 भी हो सकता है, एग्जिट बटन भी हो सकता है, तो आपका सिस्टम का जो भी बूट की है उसे आपको प्रेस करना है जब डिस्प्ले ब्लैंक हो जाए। और मेरा पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो सिस्टम जो कि रन होना स्टार्ट हो गया बूटेबल। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है इसको आपको सिंपली ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको एक डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस मेथड से आप आईफोन 5S से लेकर आईफोन 10 तक जेलब्रेक कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन 5S है, आईफोन 6 है, तो आपको होम बटन दबा के आपको डाटा केबल को लगा देना है। अगर आपके पास आईफोन 7 है, 7 से 10 तक जितने भी मॉडल है वहाँ पे अगर आप जेलब्रेक करोगे तो आपको माइनस वाला बटन दबा के आपको डाटा केबल को लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन के ऊपर जाना है और आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट करने के बाद आपको जो पावर बटन और जो होम बटन इसको एक साथ प्रेस करना है 10 सेकेंड के लिए। तो एक साथ मैंने प्रेस कर दिया है, और पावर बटन को 4 सेकेंड बाद छोड़ देना है और होम बटन को पकड़ के रखना है 10 सेकंड तक। इससे क्या होगा, हमारा जो फ़ोन है वो DOP मोड पे हो जाएगा। तो देखो DOP मोड कनेक्ट हो चुका है और हमारा जो फ़ोन है वो जेलब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ये देखो, तो हमारा जो iPhone 6 है ये जेलब्रेक हो चुका है। यहाँ पे अभी डन लिखा आ जाएगा। तो देखो ये डन लिखा आ गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको सेटअप कर लेना है। तो मैं इंडिया से हूँ,
नेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है, ये जो पेन ड्राइव है इसको आपको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल और ALT और डिलीट को दबा देना है, आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ये देखो आईफोन 6 जेलब्रेक हो चुका है। उसके बाद आपके लैपटॉप या फिर सिस्टम के जो भी एंटीवायरस है उसे आपको डिसेबल करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है विंडो सिक्योरिटी और उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एंटीवायरस को आपको डिसेबल कर लेना है, या फिर आपके पास विंडो 10 है तो रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपको ऑफ कर लेना है, यस कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आपके लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको ओपन करना है और इस वाला फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है, यस कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस तरह से एक विंडो अगर ओपन हो तो इसको आपको कट कर देना है और उसके बाद इसे ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। अब आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपना ईमेल आईडी को कॉपी करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे कंट्रोल भी से आपको पेस्ट कर देना है और पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, फिर ओके कर देना है। और उसके बाद आपको अपने ईमेल को चेक करना है, आपके जीमेल में एक OTP आया होगा। ये देखो इसको ओपन करना है और उसके बाद ये जो कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और अभी जो हमने कोड को कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल भी से इसको आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद वैलिडेट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, एस कर देना है। और ये देखो लॉगिन हो चुका है आईडी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसको आपको कनेक्ट कर देना है और आपको ध्यान रखें आपका जो मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट डिवाइस के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखो वर्किंग होना स्टार्ट हो गया है। तो देखो ये वर्क हो रहा है और ये लाइफ टाइम फ्री है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हेलो बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये जो हेलो फ्री है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये देखो टूल वर्क कर रहा है और ये लाइफ टाइम फ्री है। यहाँ पे आपको एक रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, आप अपना मोबाइल को खुद जेलब्रेक करके इसका iCloud को बाईपास कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत करने के बाद टूल मिलता है, उसके बाद ऐसा वीडियो बनता है। देखो ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इसे ओके कर देना है और उसके बाद आपके मोबाइल को सेटअप कर लेना है।
कंटिन्यू। ऑप्शन एग्री, कंटिन्यू, कंटिन्यू, नॉट नाउ, कंटिन्यू, डोंट शेयर, और देखो हमारा फ़ोन आईक्लाउड बाईपास हो चुका है, और इसको अगर आप पावर ऑफ भी कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये देखो पावर ऑफ मैंने कर दिया, और उसके बाद इसे मैं ओपन करता हूँ, यानी कि इसका स्विच को ऑन करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ। तो देखो हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है, आई क्लाउड बाईपास हो चुका है बिल्कुल फ्री में।